हेलो एवरीबॉडी, आज इस वीडियो में हम बहुत ही छोटी सी चीजें डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन सीरियसली बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये। आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन देने वाला है छोटा सा वीडियो। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आपको जिंदगी भर मोटिवेशन देते रहेगी। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं सीधे टॉपिक पे आता हूँ। मैं ये कहूँगा कि जब भी लाइफ आपको बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, जब भी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफें आती है, तो ये याद रखिए कि लाइफ आपको टेस्ट कर रहा है। लाइफ ये जानना चाहता है कि आप में से क्या बाहर आएगा, आप उस प्रॉब्लम से उभरोगे या गिर जाओगे। तो ये चीज़ लाइफ आपसे जानना चाहती है, ये चीज़ आपका भगवान, आपका खुदा, आपका गॉड आपसे जानना चाहता है, और इसीलिए आपका टेस्ट किया जाता है। तो कभी भी अपने हार्ड पीरियड को गलत तरीके से ना देखिए, भगवान को ब्लेम ना करिए, और उस पीरियड में कैसे बाहर जाए इसलिए मैं कुछ टिप्स देने वाला हूँ। तो ये याद रखिए, फॉर एग्जाम्पल जब भी आप कोई भी फ्रूट ले लो, फॉर एग्जाम्पल एक संतरा ले लो या नींबू ले लो, तो नींबू को जब भी आप दबाते हो, जब भी आप स्क्वीज करते हो, जब भी आप नींबू को प्रेस करते हो, तो उसमें से क्या निकलेगा? नींबू में से नींबू का पानी, नींबू का रस निकलेगा। वैसे ही फॉर एग्जाम्पल जब आप मैंगो को स्क्वीज करते हो तो मैंगो में से क्या निकलेगा, वैसे ही जब आप एप्पल को स्क्वीज करोगे तो उसमें से क्या निकलेगा? तो जो फ्रूट होगा वही उसका रस निकलेगा। तो वैसे ही लाइफ में जब भी आपको प्रॉब्लम्स आती है, जब भी लाइफ आपको स्क्वीज करती है, लाइफ दबाती है, लाइफ अपना हार्ड टाइम देती है, तो उस टाइम आपके अंदर जो होगा वही बाहर छलक के आएगा। तो आपके पास्ट में आपके जो एक्सपीरियंसेस हो गए, आपके पेरेंट्स ने जो आपको सिखाया होगा, आप अपने लाइफ में जो थॉट से बड़े हुए होंगे, वो चीज़ें उस टाइम पे बाहर ज़्यादा से ज़्यादा निकल के आएगी, और वो आपके लाइफ को फ्लेवर देगा, और उसके बाद आपका लाइफ एक ट्रैक पकड़ेगा। तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखना है। लाइफ में कभी भी अगर हार्ड टाइम आए तो डीमोटिवेट होना नहीं है, हमेशा मोटिवेटेड रहना है, ज़्यादा उभर के आना है, ज़्यादा बाहर आना है। और लाइफ आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रही है कि आपको उस हार्ड टाइम से कुछ सीखने को मिले, और वो सीख आपको और भी बड़ा इंसान, और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और भी ज़्यादा अच्छा टाइम देने वाली है। इसीलिए आपको लाइफ टेस्ट करती है। तो ये बहुत सिंपल ऑब्जेक्टिव है मेरे वीडियो का, कि जब भी लाइफ आपको स्क्वीज करती है तो ये याद रखें कि अगर नींबू है तो नींबू में से नींबू रस बाहर आएगा, और मैंगो है तो उसमें से मैंगो का जूस बाहर आएगा। तो लाइफ आपको स्क्वीज करेगी, आपको तय करना है कि आप में से क्या बाहर आने वाला है। क्या आप डिप्रेशन में चले जाओगे, या आप किसी नेगेटिव ग्रुप को ज्वाइन कर लोगे, या आप और मोटिवेट होके, और ज़्यादा पॉजिटिव होके, और ज़्यादा लोगों को फॉलोअर्स बनाओगे, ज़्यादा लोग आपके पीछे आएंगे, आपके जैसा करेंगे, आपका एग्जांपल देंगे, या फिर आपका बुरे वक्त में एग्जांपल देंगे कि उसका बुरा वक्त आया था और ये फील्ड छोड़ के भाग गया, या फिर आपका एग्जाम्पल देंगे कि उसका बुरा वक्त था और उसने और भी उभर के बाहर आया, और ये वो इंसान है जिस तरीके से मुझे बनना है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से इंसान बनोगे। तो तब आपको भगवान को आपको थैंक्स करना है, या फिर आपको ब्लेम करना है, या फिर थैंक्स करके ये करना है कि थैंक यू भगवान, ये मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं इस प्रॉब्लम से उभरूँ और भी अच्छा इंसान, और भी ज़्यादा निखर के आऊँ, और ज़्यादा खास बन के आऊँ, इसलिए आपने ये मुझे प्रॉब्लम्स दिया था, ये मुझे हार्ड टाइम दिया था। तो ये बहुत ही छोटा सा वीडियो था। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई लव यू ऑल। मे गॉड गिव यू ऑल द डिजायर रिजल्ट्स यू ऑलवेज डिजायर्ड। थैंक यू वेरी मच।